तो हेलो नमस्ते सत श्री अकाल केम शो केमो नाचे। तो आज है 15th of August, आज है इंडिपेंडेंस डे। आज ही के दिन हमने अंग्रेजों का सिस्टम हिला दिया था और कल टीवी पे अभिषेक मल्हान एक ए फुकरा इंसान का भी सिस्टम हिला दिया किसी ने, जो कि बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 का विनर बना। और वो विनर है एलविश यादव। जी हाँ, एक बार और सिद्धार्थ जीता था और इस बार भी एक सिद्धार्थ ही जीता है बिग बॉस का सीजन। सिस्टम हिला दिया पूरा बिग बॉस का भाई, वाइल्ड कार्ड विनर। इस 17 साल से बिग बॉस आ रहा, आज तक कोई वाइल्ड कार्ड जीता नहीं। 2 बार फाइनलिस्ट हुए लेकिन जीता नहीं है। एलविश यादव अपने राव साहब बिग बॉस जीत गए। आपका क्या कहना है इस पे, एलविश के जीतने पे आप खुश हो? हेलो, सिस्टम हैंग हो गया क्या? तो ये भी खुश है। कल बहुत लोग खुश हुए थे क्योंकि बहुत लोग चाह रहे थे कि एलविश यादव जीते, तभी तो वोट मिले। बहुत वो लोग चाहेंगे तभी तो वोट करेंगे, और वोट करें और ऐसा वोट किया कि मतलब सिस्टम हैंग हो गया। और आज ही के दिन अंग्रेजों का भी सिस्टम हैंग हुआ था, भारतीयों ने अंग्रेजों को यहाँ से भगाया था और इंडिया आजाद हुआ था। तो आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। द अनुकेश व्लॉग की तरफ से तुम भी बोल दो यश। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मेरा गला खराब है। इसका गला खराब है, इसका दिमाग खराब है, बुद्धि खराब है, इसका सिस्टम हैंग है, हमारा नहीं है। और हम लोग सुबह से उठ के नाश्ता बना रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं हमारे नाश्ते की प्रिपरेशन। बहुत ही सुबह उठ गए, आज ऑफिस नहीं जाना, आज 15 अगस्त से छुट्टी है, आजादी है काम से आज। तो आप देख सकते हो ये आलू उबल गए हैं, ये ब्रेड है ब्रेड, और ये थोड़ा सा मक्खन और मेयो हम लोग मिक्स करेंगे ब्रेड में। ये मसाला है और इसमें प्याज और वो टमाटर फ्राई हो रहे हैं। तो हम लोग पिट्ठा बना रहे हैं आलू का, उसके बाद सैंडविच बनाएंगे और सैंडविच खाएंगे अम्मा, और सैंडविच खा के निकलेंगे मूवी देख रहे। मॉर्निंग शो का मजा जो मैंने आपको पहले भी बताया, अलग ही होता है भाई, अलग ही होता है। एकदम मॉल खाली, रोड खाली, आप जाते हो मूवी देखते हो, लंच करके वापस आते हो, उसके बाद भी पूरा दिन बचा रहता है। तो हम लोग अर्ली मॉर्निंग शो देखने जा रहे हैं और अभी इस वक्त हॉल में थिएटर्स में 2 बहुत ही बड़ी मूवीज लगी है जिसने बॉलीवुड को मतलब एकदम अपरंपार कर दिया। ये साल तो बॉलीवुड के लिए ना एकदम बेस्ट साल हो गया है। सबसे पहले आई हमारी पठान, मतलब 1000 करोड़ शाहरुख खान की कमबैक मूवी। उसके बाद आई एक और अच्छी मूवी, रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी, मतलब फैमिली एंटरटेनमेंट, करण जौहर पूरे परिवार के साथ देखने वाली मूवी बना दिया। बहुत टाइम के बाद कुछ कुछ होता है उस टाइम के बाद अब। और अब गदर 2 सीक्वल्स का ये वीक है, गदर 2 और OMG 2, और ये दोनों हिट हो गई है यार। उस टाइम पे गदर आई थी तो लगान और गदर एक साथ आई थी, उस टाइम पे भी एकदम मारपीट हो गई थी थिएटर्स में भाई। कौन सी मूवी, एक तरफ एकदम हिस्टोरिक ड्रामा और दूसरी तरफ एकदम मारधार सनी देओल हैंडपंप उखाड़ना, और वापस से ऐसा ही हो रहा है। एक तरफ वही मारधार हैंडपंप उखाड़ना और ये पता नहीं क्या क्या मारपीट, और दूसरी तरफ एकदम हिंदू भगवान और सेक्स एजुकेशन पे बेस्ड OMG 2, अडल्ट्रेटेड, मतलब उसके बाद भी चल रही मूवी। तो हम लोग देखने जा रहे हैं मारधार, तो भी हमें पता है सनी देओल पाकिस्तान जाएगा, अपने बेटे को बचाएगा, लोगों को मारेगा पीटेगा, पाकिस्तानियों को हवा वो धूल चटाएगा और वापस आ जाएगा लेके। तो ठीक है, वो कभी OTT पे देख लेंगे, लेकिन अभी हम जो मूवी देखने जा रहे हैं वो है OMG 2, कैसे सेक्स एजुकेशन को अपनी फिल्म के अंदर एक इंकॉर्पोरेट करके एक अच्छी सी, यार पता नहीं भगवान को भी बेस कर लिया उसमें, मतलब शिव जी है। पिछले सीजन में विष्णु भगवान बने थे अक्षय कुमार, और इस सीजन कह रहा हूँ, ओहो बिग बॉस वाला कुमार चढ़ा है पिछले पार्ट में, और इस पार्ट में भोलेनाथ बने। तो वही मुझे देखना है, क्यूरियोसिटी है हमें। तो हम OMG 2 देखने जाएंगे और हम लोग बस नाश्ता करके रेडी होंगे, हमारी हाउस हेल्प आ जाएगी तो सामान सब बर्तन साफ कर देगी, उसके बाद हम निकलेंगे सेलेक्ट सिटी वॉक OMG 2 देखेंगे। इस बार हमने पहले ही बता दिया भाई, मूवी रिवील कर दी हमने, क्योंकि भैया पता है हम लोग, आप लोग एंड तक व्लॉग ही नहीं देखते हो इसलिए। तुमको देख के लग नहीं रहा तुम OMG 2 देखने जा रही हो, तुमको देख के लग रहा है कि तुमको फिर से लग रहा है बार भी देखने जा रही हो। हैं, जारा का कपड़ा पहन लिया तो हीरोइन बन के इतर आ रही हो? अरे मेरा, मैं सोचती सूट पहनूंगी फिर पानी खत्म हो गया फिर मैं प्रेस। आइए गाइस, दिखाते हैं इनका जारा का टैग, जारा का टैग दिखाने दे, इनका जारा कपड़े का टैग दिखाने दीजिए। ये देखिए गाइस, दिस इज आरा, ओ नो सॉरी, अरे जारा का टैग दिखाओ ना, लोग सोचेंगे आरा आरा का पहन। ये देखिए गाइस, दिस इज जारा का कपड़ा पहनने लग गई है ये, मेरे राज में। और कितना ऐश करेगी रे तू, और कितना ऐश करेगी जी तू, OMG 2 तो तुम्हारे लिए बोलना चाहिए। और ये देखो गाइस, मेरे को देख के लग रहा होगा कि हाँ मैं OMG 2 देखने जा रहा हूँ। देखो कुर्ता, बाल एकदम चपटे, मैं भी पहनने वाली थी, फिर
पानी चला गया चश्मा और ये क्लीवेज बंद कर लेंगे हम। अडल्ट्रेटेड मूवी ये क्लीवेज चलेगा थोड़ा सा। तो ये OMG 2 का गेटअप है, कहाँ चली गई? ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, भाग गई। देखिए गाइस, और अभी मैं आपको नाश्ता दिखा देता हूँ। हम नाश्ता करके फटाफट फौरन फट निकलेंगे। ये हमारा सैंडविच, ये दो मेरे, ये दो इसके। ये हमारा चाय है, ये वाघ बकरी का प्रीमिक्स है जिंजर टी फ्लेवर, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। थोड़ा महंगा है, डेली यूज के लिए नहीं है, लेकिन मैं डेली यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं अमीर हूँ। और ये हमारा हाइंस टोमेटो केचप जो हम इस सैंडविच के साथ ठूसेंगे। और ये देखिए गाइस, ज़ारा ब्राइड मुंह कपड़ा पहनी है ज़ारा, मुंह इसका आ रहा हम पहनाएंगे। चलिए गाइस, काम कर लगते हैं, इनको कपड़ा पहनाना है। कपड़ा नहीं ये प्रेस। तो अब हम लोग सीधे चलते हैं और आपसे मिलते हैं PVR INOX में, क्योंकि अब PVR ने INOX को भी एक्वायर कर लिया। तो PVR अब PVR नहीं रहा, PVR INOX हो गया भाई। मतलब दो तीन मूवी ऐसी आ गई बॉलीवुड की PVR का इतना प्रॉफिट हो गया है, इतना टिकट्स बिके है, गदर, तू तो सच में गदर मचा दी है PVR के लिए, तो एकदम वरदान प्राप्त हो गया। तो चलिए अब सीधे मिलते हैं आपसे PVR INOX पे। ऑटो में लेके जा रहे हो, मेरे को लगा कैब ही है। मुंह में घुसा रहे हो कैमरा पूरा। अरे अगस्त हमें लगा पूजा भट्ट बनी है क्या सिस्टम है, ये सारे स्टॉल बंद है। अच्छा 15 अगस्त से खुलेगा ही नहीं कोई स्टॉल, दिन में नहीं खुलेगा, 10 बज रहा है ना। नहीं ये स्टॉल्स नहीं खुलेंगे, आ जाओ एंट्रेंस करे। सुबह मॉल आने के फायदे देखिए, कोई स्टोर ही नहीं खुला है, क्या सिस्टम है ये, सब बंद, खाली ये औरत खुली हुई है, इसको बांधो कोई। हम लोग फाइनली OMG 2 देखने जा रहे हैं सुबह सुबह नींद खराब करके। ऑफिस जाना होता तो नहीं नींद खुलती, ऐसे बोलो। हाँ ऑफिस जाना होता तो नींद नहीं खुलती, बट मूवी के लिए ऑन टाइम सुबह 7 बजे उठ के तैयार होके, हाँ बिफोर टाइम ब्रेकफास्ट करके उसके बाद हम लोग आ गए। अच्छा, ऑफिस वाले देखेंगे तो बोलेंगे, कहेंगे कि ऑफिस 10 बजे आती है और मूवी देखने 9 बजे आती है, रोज लेट आती है और मूवी देखने एकदम टाइम से पहले। देखो गदर का क्रेज है, गदर देखने आई है लोग, गदर 2 तारा सिंह की प्रेम कथा। भीड़ देखो, भीड़ सुबह सुबह हम लोग पहले भी आए हैं, इतनी भीड़। जिम हॉपर, डेविड हार्बर, लेकिन का पापा डेविड हार्बर नाम है। चलो कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ खुला है ये खुला है? हाँ चलो, तो क्या बनवाए तुम्हारे लिए, देख के फिर ना हीरोइन बनो सिस्टम हैंग कर जाएगा तुम्हारा वरना। चलो अंदर ठंडी है, वातावरण ठीक है, मूवी खत्म हो गई, हम लोग पहुंच गए पुरानी पिछली वाली। आचरण को बिना विशेषज्ञों द्वारा सलाह लिए अपनाने का सुझाव नहीं देती, यौन शिक्षा के प्रति सामाजिक जागृति ही इस फिल्म का मूल उद्देश्य है। कहानी को रुचिकर बनाने के लिए काल्पनिक दृश्य इत्यादि चुने गए हैं, जिनका उद्देश्य किसी भी व्यवसाय से जुड़े विशेषज्ञों का अपमान करना नहीं है। फिल्म में व्यक्त विचार पूर्णतः व्यक्तिगत है और किसी भी धर्म विशेष द्वारा प्रमाणित किए जाने का दावा नहीं करते हैं। फिल्म की धार्मिक पृष्ठभूमि भी पूरी तरह काल्पनिक है।
का महाकाल नगरी में स्वागत है। जय श्री महाकाल। क्या लायो? पानी। लो। इतनी केयर? अब बोलो पानी 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 अंकल जी। पानी 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 अंकल जी, पानी पिला दो अंकल जी, पानी पिला दो। नंदी, भक्त पे बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। मेरे शिवगन में से किसी ऐसे को ले जाओ जो उसकी सहायता कर सके। जो आज्ञा प्रभु।